नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। लोकसभा के चुनाव करीब आते ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी मुहिम बना रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। वहीं एक तरफ जहां तेजस्वी ने दावा किया है कि 2024 में भाजपा का रथ महागठबंधन रोकेगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कमर कसते हुए दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। इस रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे कि बीजेपी ने क्या दावा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की धुरी पर सियासी संग्राम चढ़ गया है। लोकसभा चुनाव को ज्यादा वक्त बाकी नहीं और सभी पार्टियां तर्कश से अपने तीर निकाल कर तैयार बैठी हैं। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को विपक्षी ब्रिगेड से मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। इस फ्रंट पर वो खुद लीडर होंगे या नहीं, ये सीएम नीतीश को मायने नहीं रखता। बस मायने रखता है तो बस पीएम के तख्त को खाली करना। इसी कवायद में नीतीश विपक्षी एकीकरण की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि जेपी मूवमेंट की शुरुआत भी बिहार से ही हुई थी। ऐसे में पूरे विपक्षी एकीकरण का मसौदा बिहार में तय हो रहा है। हालांकि जिस विपक्ष एकीकरण का मसौदा बिहार में तैयार किया जा रहा है, जिस जमीन पर केंद्र को धूल चटाने के बीज बोए जा रहे हैं, क्या महागठबंधन अपने कुनबे को बचा कर रख पा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में फिर से अटकलें तेज कर दी है। नित्यानंद राय का दावा, जिसने महागठबंधन के गढ़ से ही आवाज बुलंद की और अब महागठबंधन को और मुस्तैद करने पर मजबूर कर दिया है। महागठबंधन को मजबूती प्रदान करने की कोशिशों पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कटाक्ष किया है। महागठबंधन को मजबूती प्रदान करने को नीतीश कुमार के तूफानी दौरे पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब आप किसी के घर जाएंगे तो लोग आपको वापस तो नहीं भेज देंगे, आपसे बात जरूर करेंगे, लेकिन जहां तक सवाल लोकसभा चुनाव में सीटों का है तो ये सब जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलेगी। 40 में से 40 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां जानती हैं कि बिहार में एक भी सीट नहीं मिलने वाली। नित्यानंद राय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सारी सीटें एनडीए को मिलने वाली है। नीतीश कुमार के पीएम बनने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अपने प्रदेश में जिनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली, वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्षी एकता की मुहिम को धार दे दिया है। हालांकि नित्यानंद राय के बयान के बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल होगी, ये जल्द विपक्ष की प्रतिक्रिया से साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के मंत्री के दावों में कितना दम है, ये आने वाले चुनाव में देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।